गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा बन गया है कब्रिस्तान। एक साथ दफनाए गए 189 शव। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। लगभग 40 दिन बीत चुके हैं। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार हो चुका है। लगातार अगर बात करें तो सबसे बड़ा अस्पताल जो गाजा का है अल शिफा, वहां पर मौत का आंकड़ा इतना ज्यादा हो चुका है कि एक साथ एक ऐसी कब्र खोदी गई है, सामुदायिक कब्र, जिसमें 189 शव को एक साथ दफनाया गया है। बताया जा रहा है कि गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से आईसीयू में लगभग 7 बच्चे और 129 लोग एक साथ मारे गए हैं। टोटल जो है 189 लोगों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया है। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक फिलिस्तीन में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रियंका गांधी ने भी फिलिस्तीन के बच्चों की हो रही मौत पर आवाज उठाया है। बीते दिनों चिल्ड्रंस डे के अवसर पर प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि फिलिस्तीन में बच्चों का जो नरसंहार हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें, या साथ में अभी हाल में ही सोनम कपूर ने भी एक ट्विटर पर पोस्ट किया है कि फिलिस्तीन हो या इसराइल, वहां पर मानवता शर्मिशार हो रही है। दोस्तों, गाजा और इसराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मासूमियत आंसू बहा रही है। अगर आप भी गाजा और इसराइल से रिलेटेड न्यूज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप भी बताएं कि आप क्या विचार रखते हैं। इसी के साथ मैं खुशरंग हिना, वी एक्सपर्ट न्यूज़। धन्यवाद।